पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई गई। बात करें अकोला की तो अकोला में सभी ईदगाहों पर और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। मुख्य तौर पर ऐतिहासिक कही जाने वाली हरिद्वार पेठ ईदगाह पर हर साल की तरह इस साल भी परंपरागत बैद बिरादरी का निशान ईद की नमाज से पहले पहुंचा। ईद की नमाज मुफ्ती गुलाम मुस्तफा ने पढ़ाई। पूरे शहर में प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं महानगर पालिका की ओर से सभी ईदगाहों पर साफ सफाई की गई थी। अकोला से शाहिद इकबाल की रिपोर्ट। आज ईद उल फितर का मुकद्दस दिन है और आज हर अमीर गरीब फकीर सुल्तान तमाम हजरात जो है आज ईद की खुशी में शामिल होते हैं और ईद की खुशियां मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपनी मरकजी ईदगाह जो हरिहरपेट में वाक़ है इसमें ईद उल फितर की नमाज अदा की। अल्लाह ताला हमारी नमाजों को रोज़ों को इबादतों को कबूल फरमाए। असल में ईद का दिन जो होता है वो सिले का दिन होता है, उजरत का दिन होता है और इस दिन जो है जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। मैं बहैसियत काजी और खतीब काजी शहर आप सभी को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। ईद का दिन यानी खुशी का दिन होता है और असल मायने में तभी खुशी का दिन होगा जब हम किसी गरीब के चेहरे पर वो ईद की खुशी ला सके, वो मुस्कुराहट ला सके और मिलकर उसको फूड डोनेट करें और उसके साथ ईद की खुशियां मनाएं। जितना हो सके हम उतना एक दूसरे के साथ मिलकर रहे और भाईचारा बने रहें। हिंदू मुस्लिम सभी सब एक साथ मिलकर रहे और ईद की खुशियां साथ में मिलकर मनाएं। सभी भाइयों और बहनों को रमजान ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पर्व पर सब लोग बनते रहें, खुशी से रहें, खुशी से रहें, चैन से रहें। ये मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।